अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी गुड़ की जलेबी की विधि। इसमें चीनी की अपेक्षा कम कैलोरीज होती हैं। ये बच्चों में ग्रोथ हार्मोन्स जनरेट करती हैं जिससे उनकी हाइट इंक्रीज होती है। जलेबी बनाने के लिए हमें चाहिए गेहूँ का आटा, चावल का आटा यानी राइस फ्लोर, और मही या मठा और नमक। अब गेहूं के आटे में मैं चावल का आटा मिक्स कर रही हूँ और नमक आप थोड़ा ही इस्तेमाल करें। अगर आप चाहें तो इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं। दोनों आटा को अच्छे से मिलाइए। अगर आप चाहें तो इसमें दही का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। दही में थोड़ा सा वाटर ऐड कर लीजिए और उसको मिला लीजिए, फिर वो इस्तेमाल करने के लिए बिल्कुल रेडी है। मैं इसे धीरे धीरे मिला रही हूँ। आप चाहें तो हाथों की मदद से भी मिला सकते हैं। मुझे ये घोल बनाने में 2.5 गिलास पानी लगा है। याद रखें कि आटे में बिल्कुल लम्स ना रहें। धीरे धीरे मिलाते रहिए। ये सबसे ज़रूरी स्टेप है। अगर आपका पेस्ट अच्छा बनेगा तो आपकी जलेबी भी बहुत अच्छी बनेगी। ये थोड़ा मुश्किल ज़रूर है पर आप कोशिश करते रहिए। अगर आपके पास चावल का आटा अवेलेबल ना हो तो आप गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं। देखिए चलाते रहिए। अब इसमें मैं थोड़ा सा और मठा डाल रही हूँ। हमको पकौड़े की कंसिस्टेंसी का पेस्ट बनाना है, ज़्यादा पतला ना ज़्यादा टाइट। हमें यही कंसिस्टेंसी का पेस्ट चाहिए। अब इसे ढककर 6-7 घंटे के लिए रख दीजिए। लिए जलेबी की चाशनी या सिरप तैयार करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए गुड़ और 1 कप पानी। गुड़ को जैगरी बोलते हैं। गैस की फ्लेम ऑन करते हैं और उसमें बर्तन चढ़ाते हैं। मैंने पहले से ही चाशनी बना के रखी थी। हमको 1 तार की चाशनी चाहिए। आप अपनी चाशनी को उबाल के बाद पल पल में चेक करते रहिए। अगर 1 तार बने तो आपकी चाशनी बिल्कुल रेडी है। मेरी चाशनी रेडी हो चुकी है। अब मैं फ्लेम को बंद करूँगी। आप जलेबी इस बोतल की सहायता से भी बना सकते हैं या फिर एक पॉलीथीन में छेद कर ले। इसी कंसिस्टेंसी की चाशनी हमें चाहिए। देखिए चम्मच के पीछे चबक रही है, इसका मतलब ये परफेक्ट है। अब मैं इस पेस्ट को इस पॉलीथीन में भरूंगी। अगर आपको इंस्टेंट जलेबी बनानी है तो आप यही प्रोसेस फॉलो करें और उसमें थोड़ा सा सोडा ऐड कर दें। अगर आपको हलवाई स्टाइल में चाहिए तो बैटर को रात में ही फर्मेंट करने के लिए रख दें। फर्मेंटेशन अच्छी होगी तो हमारी जलेबियाँ क्रंची और फूली फूली बनेंगी और उसमें चाशनी बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब भी होगी। अगर आप
लीजिए, हमारी जलेबियाँ तैयार हैं। जलेबियों को हमको हल्का सुनहरे रंग तक पकाना है। आप इन जलेबियों को पोहे के साथ सर्व करें। धन्यवाद।